हेलो फ्रेंड्स, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज मैं आपको ले आई हूँ भुवनेश्वर के ये रोड साइड नर्सरी में। एक्चुअली मैं यहाँ से गुज़र रही थी, मेरा नज़र पड़ा यहाँ, तो मैं आगे बढ़ नहीं पाई, यहीं रुक गई और सोचा कि चलो कुछ रोज़ेस देख लेती हूँ। जैसे कि रोज़ेस का सीज़न आने वाला है, तो मैं सोची कुछ नया रोज़ प्लांट का कलेक्शन कर लूँ अपने रोज़ेस में। पर रोज़ेस तो मुझे यहाँ दिखा नहीं, फ़िलहाल ये हिबिस्कस का सेक्शन है, और भी यहाँ कई प्लांट्स हैं, तो सब में थोड़ा नज़र घुमाते हुए चलूँ सोची। तो आगे मैं यहाँ, देखिए मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तो मुझे यहाँ दिख गया मोगरा प्लांट। मैं चाह रही थी हाइब्रिड का मोगरा प्लांट, जो छोटा रहे और ज़्यादा फ्लावरिंग करे, पर मुझे जो प्लांट इसने बोल कर दिया वो मुझे ठग दिया। तो आप भी होशियार रहें कि आप सब कुछ जानते हुए भी कहीं ना कहीं से ठग में आ सकते हैं। खैर, इसका स्टोरी मैं फिर किसी दिन किसी वीडियो में बताऊँगी। मुझे यहाँ पर हिबिस्कस के दो प्लांट अच्छे लगे, तो मैं यहाँ से दो प्लांट हिबिस्कस का ली, एक येलो कलर में और एक पर्पल कलर में। ये दो प्लांट मैंने हिबिस्कस का यहाँ से परचेज़ किया। अब आगे मैं सोच रही थी रोज़ेस के लिए, तो रोज़ेस के सेक्शन में जब मैं गई तो वहाँ कई वैरायटी के रोज़ेस, और वो था कि मैं ढूंढ रही थी जुमेलिया फ्लावर। रोज़ फ्लावर में जुमेलिया बहुत खूबसूरत खिलते हैं और उसके कलर भी बहुत प्यारा आता है, तो वही प्लांट को मैं ढूंढ रही थी पर मुझे नहीं मिला। तो इसी तरह मैं आगे चलती रही, प्लांट्स देखती रही, मुझे जो चाहिए था वो मुझे नहीं मिल रहा था। तो वैरायटी तो बहुत सारे हैं, देख के तो दिल हो रहा था कि सारे प्लांट से कुछ ना कुछ ले कर चलूँ, पर ऑलमोस्ट मेरे टेरेस में बहुत से प्लांट हैं और मेरा टेरेस ऑलमोस्ट पूरा फुल हो चुका है। तो कुछ सिलेक्टिव प्लांट ही मैं ढूंढ रही थी, कुछ रोज़ेस में, कुछ हिबिस्कस में, और ख़ास तौर पे मोगरा का हाइब्रिड वैरायटी ढूंढ रही थी, जो मुझे मिला नहीं और मैं उस पर चीट भी हो गई। तो इसी तरह पूरा गार्डन नर्सरी टूर मैंने किया, पर मुझे रोज़ेस नहीं मिला। जो रोज़ मैं ढूँढ रही थी वो रोज़ मुझे नहीं मिला। तो अभी तो सीज़न बाकी है, फिर कुछ नया आएगा ज़रूर। तो नेक्स्ट टाइम फिर मैं ज़रूर आऊँगी, देखूँगी यहाँ फिर रोज़ मुझे अगर कुछ नया वैरायटी मिलता है तो उसे मैं अपने कलेक्शन में ज़रूर शामिल करूँगी। तो पूरी नर्सरी की राउंड लगाकर मैं आ गई फिर अपने प्लांट के पास, जो मैंने परचेस किया और यहाँ अच्छे से बार्गेनिंग भी किया है, जैसे कि आप देख सकते हो। आगे तो आफ्टर बार्गेनिंग मैंने लिया चार प्लांट, और चार प्लांट मुझे 400 के अंदर ही कुछ पड़ा। ये टैलेंचो लिया पड़ा 160, और ये दो हिबिस्कस मैंने 50-50 करके लिए, और जो चीट हुई मैं ये मोगरा के नाम पे वो लिया वो 150 के आसपास। तो फ्रेंड्स, यहाँ ख़त्म होता है मेरा रोड साइड नर्सरी विजिट।
बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।